कविता के अगले अंश में सुदार्थ रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि ने तमाम पौराणिक उदाहरणों को दृष्टांत अलंकार के माध्यम से उदाहरण दे करके ये समझाने का प्रयत्न किया है कि सिर्फ अपने लिए जीना मनुष्य नहीं कहलाता। मनुष्यता का मतलब होता है दूसरों के लिए जीवन जीना। तो यहाँ पर तमाम उदाहरण भी कवि ने दिए हैं कि भारत का जो इतिहास है वो वीरों से भरा है। रंतिदेव एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने भूखे व्यक्ति को अपने दरवाजे पर देखकर अपने हाथ का जो थाल रहता है वो उसे दे देते हैं। करस्थ थाल का मतलब हाथ में लिया हुआ भोजन का जो थाल है हाथ में लिए, करस्थ का हाथ में लिया थाल। दधीचि एक ऋषि थे जिन्होंने जिनकी हड्डियों जब देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था और ये लगा कि जीतेंगे नहीं तो इनकी हड्डी से वज्रास्त्र बनाया गया, तो देवता इनसे हड्डी मांगने जाते हैं तो ये अपनी दधीचि अपनी हड्डियों को देकर वज्रास्त्र बनाने के लिए जीवन दे देते हैं। परार्थ मतलब होता है दूसरों के लिए, अस्थि जाल मतलब हड्डियों का ढांचा। उशीनर गांधार के राजा थे, उनका नाम था उशीनर। क्षितिश मतलब राजा होता ही है। स्वमांस मतलब अपना मांस। अनित्य मतलब नश्वर। देह मतलब काया। अनादि जीव अमर प्राणी है या अमर जीव। क्षुधांत्र रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, व्याख्या इस प्रकार है कि भारत का इतिहास जो है वो दानवीरों से भरा पड़ा है, इसलिए कवि ने तमाम उदाहरणों को देकर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानवता की भलाई के लिए धन तो धन, तन का भी अर्पण किया है, तन का भी अर्पण किया जाता है। रंतदेव का उदाहरण देते हुए कहते हैं क्षुधांत्र रंतदेव ने, भूख से व्याकुल रंतदेव जो एक प्रसिद्ध राजा थे, जब उनके दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है तो दिया करस्थ थाल भी, हाथ में लिया भोजन का जो थाल था उसे दे देते हैं, स्वयं की भूख की परवाह किए बिना उसको थाल दे देते हैं। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और ऋषि दधीचि ने जब देवता उनके पास उनकी हड्डियां मांगने आते हैं कि बिना आपकी हड्डियों के वज्रास्त्र बने हुए हमारी विजय नहीं हो सकती, तो वो अपनी हड्डियों को उन्हें समर्पण प्राण त्याग करके अपनी हड्डियां उन्हें समर्पित कर देते हैं। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, और गांधार के राजा उसी नर क्षितिश राजा, तो उसी नर राजा उसी नर ने स्वमांस दान भी किया। एक बार एक बहेलिए ने किसी कबूतर का हरण किया और वो कबूतर घायल अवस्था में आकर उनकी गोद में बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि इस कबूतर के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। बहेलिया जब उससे अपना कबूतर अपना शिकार मांगने लगता है तो वो कह पड़ते हैं कि इसके बराबर का मांस तुम मेरा ले लो लेकिन इसके प्राण छोड़ दो। ये हुआ एक राजा का स्वभाव, जिसने अपने गोद में अपने शरण में आए हुए की भी रक्षा की, स्वमांस दान भी किया, अपने मांस का दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण की कहानी आप सुने होंगे, जब इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण के पास आते हैं, कर्ण महादानी कहलाते थे, उनके पास आते हैं तो वे अपना कवच और कुंडल
उन्हें दान में दे देते, जबकि उन्हें पता होता है कि अगर मैंने इसे दे दिया तो मेरे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो यहाँ कर्ण का भी उदाहरण दिया कि कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, शरीर और चर्म यानी आप कवच और कुंडल दोनों दान में दे दिया बिना चिंता किए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य जो नित्य नहीं बना रहेगा यानी जीवन जो मरणशील है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादिकाल से ये जीव को ये पता है कि उसका जो जीवन है वो अनित्य है, सदैव बना नहीं रहेगा, तो इसके लिए क्या डरना, मृत्यु आज हो या वर्षों बाद हो जाए तो इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य तो वही कहलाने योग्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दे, प्राणों पर को न्योछावर कर दे, उसी के अंदर मनुष्यता का भाव कहलाएगा। यहाँ पर तमाम दानवीरों की दानशीलता का उल्लेख कवि ने किया है कि मनुष्य को परोपकार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये उदाहरण दिए हैं। भाषा में तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है, तो कांतयुक्त रचना है, उद्बोधन और प्रश्न शैली के साथ साथ दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की गई है, मनुष्यता भाव को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने तमाम पौराणिक कथाओं से उदाहरण दिए हैं। दधीचि ने दिया में दवर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ तमाम दृष्टांतों के माध्यम से कवि ने मनुष्यता के भाव को उजागर किया है। आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरे के दुख को जो अनुभव करे। महाविभूति महान पूंजी, वशीकृता वश में करना, मही मतलब धरती, लोक वर्ग का मतलब होता है लोक का समूह, दया प्रवाह का मतलब होता है दयालुतापूर्ण भावना। तो कवि यहां पर कहते हैं, कवि कहता है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, कवि कहता है दूसरों के दुख सुख के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, उनके दुख से दुखी होना चाहिए, सुख से सुखी होना चाहिए, तो सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति का जो गुण है, सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों के लिए दूसरों के दुख को अनुभव करना, महाविभूति है यही। ये बहुत बड़ी पूंजी है मनुष्य की कि अगर वो दूसरों के दुख को अनुभव करता है जिसके अंदर सहानुभूति का भाव हो, ऐसे व्यक्ति के लिए वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, स्वयं मही स्वयं धरती भी ऐसे मनुष्यों के वश में हो जाती है। कैसे मनुष्यों के, जिसके भीतर सहानुभूति का भाव हो, जिसके पास सहानुभूति की महापूंजी हो, धरती भी उसके वश में हो जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं वे सभी के प्रिय बन जाते हैं, दुनिया उसके वश में हो जाती है, धरती उसके वश में हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने जब अपने ज्ञानोपदेश से समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया तब लोगों ने उनका खूब विरोध किया, परंतु बुद्ध ने जब मानवता की भलाई हेतु कार्य किया और लोगों के साथ दयालुतापूर्व व्यवहार किया और लोग उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद तमाम लोग उनके अनुयायी बन गए,
उन्हें पता चला कि बुद्ध के द्वारा किए गए कार्यों में ही मनुष्य की भलाई है, मनुष्य की भलाई है, तो लोग उनके अनुयायी बन गए। तमाम विरोध करने वाले दूर चले गए, सहानुभूति में उनके साथ खड़े हो गए। इतना ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में उनके धर्म का प्रचार हुआ, सारी दुनिया उनके सामने झुक गई। जो लोग उनके विरोध करते थे वे भी दूर चले गए। इस तरह विरोध जो था दया के प्रवाह में बह गया, यानी जो उनकी भावनाएं थी उसको जब लोगों ने समझा तो दया के प्रवाह में वो विरोध अपने आप बह गया। वास्तव में दयालु वही है जो दूसरों की भलाई में नित्य प्रति अपने आप को जोड़े रहता है, दूसरों की भलाई के लिए ही जो जीता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर विशेष अर्थ में काव्यांश में सहानुभूति, दयालुता, सहृदयता को महाविभूति कहा गया है। भाषा तत्सम शब्दावली है, खड़ी बोली युक्त भाषा है। तुकांत रचना है, उद्बोधन और प्रश्न शैली है, दृष्टांत दिया गया है, पशु प्रवृत्ति है, मिपावर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह कवि ने अपनी भावनाओं को, मनुष्यता की भावनाओं को व्यक्त किया है कि मनुष्य किसे कहा जाता है, यानी मनुष्यता का गुण ही नहीं है तो व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इस तरीके से उन्होंने मनुष्यता का वर्णन किया है।